हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। आज हम बनाना सीखेंगे बीनी और एयर कफ किड्स के लिए, जो कि हम बनाने वाले हैं अपने ही एक ओल्ड वुलन कुर्ता से। ये बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग डीआईवाई है। मैं इन्हें बनाने जा रही हूँ अपनी सिस्टर की डॉटर के लिए, यानी कि मेरी नीस के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट डीआईवाई इज अ बीनी। इस डीआईवाई के लिए हमें चाहिए कोई पुराना कुर्ता, सीजर, कुछ बटन्स और थ्रेड एंड नीडल। सबसे पहले कुर्ते को ओपन कर लेंगे और किसी प्लेन सरफेस पे प्लेस कर लेंगे। कुर्ते की बॉटम से हम बीनी की शेप कट करेंगे। कुर्ते को रिवर्स करेंगे और रिवर्स करने के बाद फ्लैट सरफेस पे प्लेस करेंगे। नाउ बॉटम को इक्वल करेंगे ताकि वो अनइवन ना रहे। मैं मार्कर की हेल्प से बीनी की शेप ड्रॉ कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी एक रफ शेप ड्रॉ कर चुकी हूँ। आप चाहे तो किसी ओल्ड कैप का साइज इसमें कॉपी कर सकते हैं, जैसा भी साइज आपको चाहिए। जो शेप हमने ड्रॉ की थी उसका टॉप एंड बॉटम हम बहुत ही केयरफुली सीजर से कट कर लेंगे। तो हमें ये पीस मिलेगा, इसका टॉप एंड बॉटम हम सेपरेट कर लेंगे। दोनों पीसेस को ऑपोजिट प्लेस करके हम दोनों पीसेस को स्टिच कर लेंगे एक एंड से दूसरे एंड तक। नीडल और मैचिंग थ्रेड लेकर स्टिच करना स्टार्ट करेंगे ऑलमोस्ट हाफ इंच का गैप देकर। स्टिचिंग कंप्लीट होने के बाद कैप को रिवर्स कर लेंगे। सो देखिए कितना इजी था इस बीनी को बनाना, मगर ये कंप्लीट नहीं हुई है। मैं इसमें बटन स्टिच करने जा रही हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ मैचिंग पर्पल बटन्स और मैं इसकी साइड में तीन बटन स्टिच करने जा रही हूँ इस तरह से। So the cap is ready. This is looking cute on my cute niece and she is happy. Next हम बनाएंगे earmuffs. मैंने कुर्ते से ही इस तरह का rectangular piece cut कर लिया है। इस piece को reverse करने के बाद इसके ऊपर bangle रख के हम 4 circles draw करेंगे। मैं अंदाजन half inch बढ़ाकर circular shape दे रही हूँ। इसी तरह हम 4 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे और अब इन सर्कल को कट कर लेंगे। चारों सर्कल कट करने के बाद हमें इस तरह मिलेंगे। ब्लैक साइड एएमएफ का आउटर पार्ट होगा, सो हम पर्पल साइड से इसको स्टिच करेंगे। Now using needle we will start stitching. हम इन सर्कल्स को कम्प्लीटली स्टिच नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा स्पेस रहने देंगे। अब हम फोम यूज करेंगे पहले पेयर को फिल करने के लिए। तो हमने दोनों पेयर्स को फिल कर लिया है फोम से। हम ये बेसिक प्लास्टिक हेयर बैंड यूज कर रहे हैं। अब दोनों एंड्स को हम क्लोज कर देंगे स्टिचिंग से। बहुत ही अच्छे से टाइटली स्टिच करना है।
यहाँ पे स्टिचिंग इनफ नहीं है, मैं यहाँ पे आर्ट ग्लू यूज़ कर रही हूँ, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग हॉट ग्लू गन यूज़ करिएगा। ग्लू अप्लाई करने के बाद दोनों एंड्स को टाइटली प्रेस करेंगे और ड्राई होने तक का वेट करेंगे। सो एमएफ्स आर रेडी, आप देख सकते हैं मेरी नीज कितनी खुश है इन्हें लगाने के बाद, एंड शी इज लविंग इट। सो गाइज, डू ट्राई दिस DIY फॉर योर किड्स। आज के लिए इतना ही, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।